नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी नामदेव। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के पदभार संभालते ही अफसरों की पद स्थापना में खासा फेरबदल किया जा रहा है। दतिया कलेक्टर बनाए गए आरपीएस जादौन ने रविवार को दतिया पहुंचकर पदभार संभाल लिया। दतिया कलेक्टर आरपीएस जादौन ने रविवार को कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और अधिकारियों से चर्चा कर सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की। अधिकारियों से चर्चा के बाद पत्रकारों ने रूबरू हुए नवीन कलेक्टर जादौन ने कहा कि शासन की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी। मध्य प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकता की योजनाएं हैं, उन प्राथमिकता की योजनाओं पर समय सीमा में प्राथमिकता पर कार्य किया जाकर उनको गुणवत्तापूर्ण कार्य के रूप में संपन्न किया जाए, ये मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। आज मैंने कुछ विभागों की प्रारंभिक समीक्षा की है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी सरकार की लाभकारी योजना है तो वो उनको डिलीवरी किया जाए सक्षम तरीके से, पूर्ण तरीके से। तो जब लोगों को सुविधाओं की डिलीवरी मिलेगी तो उसका लाभ उनको मिलेगा, वो देखेगा, उसका परीक्षण किया जाएगा किस प्रकार की लापरवाही है, उसमें उसकी मंशा क्या है, क्या रही, और उसके अनुसार यथोचित निर्णय लिया। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज आज के साथ।